एंड डॉक्टर शिजा फिजियोथेरापिस्ट एंड कैरोप्रैक्टर। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप लो बैक पेन पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको अपलोड करें। हमारी लो बैक पेन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, डॉक्टर शिजा खान मेडिकल सेट से, अच्छा या फिर लाहौर स्पाइन केयर डॉक्टर शिजा खान के नाम से, जिसमें हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी बताया है, आपकी लो बैक पेन की कॉजेज भी बताई हैं। अच्छा, जो नॉर्मल बात है, जो अमूमन हजरात को जो मसला होता है, मर्द हजरात को और ख्वातीन को जो मसला होता है लो बैक पेन का, उनके लॉर्डोटिक कर्व की वजह से होता है। मर्द हजरात का फ्लैट बैक पोस्टर हो जाता है उनके पट्टों के अकड़ाओं की वजह से, उनकी कमर की मोहरें जो है अपनी शेप को चेंज कर देती हैं, और इसी तरीके से ख्वातीन भी, उनके भी लो बैक पेन का मसला इसी वजह से आता है, जब वो कंसीव करती हैं तो उनके एब्डोमिन के वेट की वजह से उनकी जो लो जो लंबर रीजन है उनके सर लंबर रीजन जो है वर्टिब्रा का, उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। इसकी हम लोग एक घंटे की इसका ट्रीटमेंट होता है, एक डेढ़ घंटे का इलाज होता है, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स की जाती हैं। वो टेक्निक्स मैं ऑलरेडी अपनी अपने चैनल पे वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप वो सब देख रहे हो। अच्छा, इसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी, मर्द हजरात के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। मर्दों के लिए जिनको फ्लैट बैक पोस्चर का मसला आता है, यानी कि लो बैक पेन में जब भी आती है और उनको मस्कुलर स्टिफनेस लगती है पोस्चर की वजह से, तो उनकी भी एक्सरसाइज आज मैं बताऊँगी और उनकी भी एक्सरसाइज बताऊँगी जो ख़वातीन हाइपर लोडोटिक कर्व डेवलप करती हैं कंसीव करने के बाद, उनकी वर्जिशें भी कुछ बताई जाएगी। अच्छा, इसमें अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि आपको शैटिका का मसला स्टार्ट हो जाता है, शैटिक नर्व पे इंपिंचमेंट डिस्क स्लिप का मसला भी आ जाता है, और इस वजह से भी उनको जो है लो बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। अगर तो आप इसकी रिकवरी एक्यूट फेज में करवा लेंगे, जल्दी करवा लेंगे, जब इसकी टाइप फर्स्ट 3 टाइप्स होंगी, तो आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है फिजियोथेरेपी के जरिए, कायरोप्रैक्टर सेशन के जरिए। लेकिन अगर आप इसको डिले करेंगे, डिले सर्जरी तब आपकी वहाँ पर बनती है जहाँ पर आपका यूरिन पे होल्ड नहीं रहता और आप लोग ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते, और आपको अपना पेल्विक रीजन जो है सुन महसूस होता है, नम महसूस होता है, वहाँ जाके सर्जरी आपकी बनती है। इससे पहले अगर कोई सर्जरी करवा लेता है तो उसके लिए ये फ्यूचर में एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप रिहैब से अपनी लो बैक पेन को रिकवर करें, वर्जिश खुद भी घर पे करें, और बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से, कंसल्टेंट से, कायरोप्रैक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो कि आप लो बैक पेन के लिए मर्द हजरात, हाइपरलोडोटिक यानी कि फ्लैट बैक पोस्चर के लिए कर सकते हैं, और फीमेल भी हाइपरलोडोटिक यानी कि कंसीव करने के बाद जो मसला आता है उनकी लंबर स्पाइन में यानी कि लो बैक पे, वो उसके लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी, तो जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ये वेज आता है, ठीक है, इस वेज को आपने ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ये जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ ये फ्लैट बैक पोस्चर यानी कि मर्द हजरात के लिए जिनको पट्टों का अकड़ाव ज़्यादा होता है और हाइपोलोरोटिक कर्व यानी कि उनका लोडोसिस जो है कम हो जाता है, ज़्यादातर मर्दों में ऐसा होता है, तो उनको ये वेज जो है ना फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए और दिन में 15 मिनट के लिए रखना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन तक पेन आएगी, लेकिन इसको आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना और अपनी वर्जिशों को और इस वेज को लगातार इस्तेमाल करते रहना है। हाँ, अब ठीक है, ओके, इस तरह से आपने इस वेज को इस्तेमाल करना है। आपकी लेग्स कोशिश करें कि स्ट्रेट हो, अगर स्ट्रेट नहीं हो सकती तो फिर आपने बेंड रखनी है। जी, और नेक्स्ट स्टेप में आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। हाँ, डाउन अगेन, डाउन अगेन, डाउन, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने करनी है, इससे जो है आपका कर्व जो है मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में जो है आपने ये कोबरा एक्सरसाइज करनी है।
इस तरीके से। अगर इस तरीके से नहीं हो सकता तो आप कोशिश करें कि आप अपनी एल्बोस तक ज़रूर अपवर्ड हों। और ये इसकी भी रेपिटेशन आपने 20-30 करनी है। अगेन वही बात कि इसकी रेपिटेशन आपकी कंडीशन पे वेरी करती है और आपकी एमिनिटी और आपके बेयर करने के लेवल पर डिपेंड करती है। कोशिश करनी है आपने जो स्टैंडिंग में भी जो है ना ये वाली पोजिशन मेनटेन रखा करें, मतलब जो है अपनी कर्व को फील किया करें अपने कमर वाले एरिया को कि वो आप उसको बेंड कर रहे हैं जी अगेन। और इसकी भी 20-30 रेपिटेशन जो है आपने करते रहनी है। कोशिश करनी है आपने कि अगर आपके पास जिम बॉल है तो वो बाय कर लें, या फिर आप पिलो के साथ, पिलो आपकी जो है लंबर स्पाइन यानी कि कमर के नीचे होना चाहिए और आपने फोकस ये करना है कि आपका सर प्रॉपर पीछे की तरफ जाए और आपकी लेग्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, ये इस तरीके से अगेन, वेरी गुड। ये पोजीशन आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करनी है। ओके, इसके साथ साथ हमारे क्लिनिक में जो है कैरो सेशन भी होता है जिसमें हम लोग जो है मैनिपुलेशन करते हैं, उसका भी एक स्टेप में दिखाते हैं। लोडोसिस हो जाता है, उनको पोजीशन ये रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए। अगेन सेटिंग डाउन, अगेन सेटिंग ये उन ख़वातीन को करना चाहिए। अब नेक्स्ट पोजीशन जो है उन ख़वातीन को जिनका हाइपर लोडोसिस हो जाता है उनको ये पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। फर्स्ट यूनिलैटरली एक टांग से आपने इस तरीके से ग्रिप करना और ऑपोजिट नेक्स्ट। हाँ, अब नेक्स्ट बायलैटरली दोनों को इकट्ठे आपने लेके जाना है इस तरीके से और इसको होल्ड रखना है आपने 1-2 सेकंड के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने फील करना है कि आप अपने बेली को नीचे प्रेस कर रहे हैं अपनी मैट्रेस के साथ, या फिर अगर ज़मीन पे लेटते हैं तो उसके साथ आप प्रेशर लगा रहे हैं। आपने ये फील करना है अपने पैल्विक रीजन को, यानी कि पैल्विक टर्ट आपने ये करते रहनी है जिस तरीके से किया जा रहा है जी। तो जैसे कि आपने देखा ये कुछ एक्सरसाइज थी जो आप लोग खुद घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आपको लो बैक पेन की कंडीशन है, मोहरों को कोई मसला है, तो उसको डिले मत करें, अपने कंसल्टेंट से आज ही कॉन्टेक्ट करें। हम लोग भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। हम लोग का 1.5 घंटे का सेशन होता है जिसमें मोडलिटीज के थ्रू, हाथों के थ्रू इसको रिकवर किया जाता है विदाउट पेन। हमारा फर्स्ट गोल जो है पेन को रिड्यूस करना होता है। तो आप लोग अगर इस कंडीशन में उतना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।